लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा वो था एनाटॉमी ऑफ स्टेम। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ रूट, है ना। तो देखो बच्चों, डायग्राम हमने बनाया है बोर्ड पे, एक डायकॉट के रूट का और एक मोनोकॉट के रूट का। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरे रूट को अच्छे से समझना है, है ना। और रूट के एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए फिर हमने क्या किया होगा, हमने एक रूट लिया, उसका सेक्शन काटा, सेक्शन को डाई किया, कलर किया और फिक्स फिर उसको माउंटिंग करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं उनको हमने डिफरेंट कलर में यहाँ पे शो किया। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग बोर्ड पे शो कर रहे हैं ये पार्ट ऑफ रूट है ना। और चूंकि हमारे पास दो तरह का प्लांट है, एक प्लांट का नाम हम लोग रखते हैं डायकॉट, तो एक रूट हम लोगों ने स्टडी करने के लिए डायकॉट का लिया है और दूसरा हमारे पास दूसरे ग्रुप का प्लांट होता है एंजियोस्पर्म में, जिसको मोनोकॉट कहेंगे, तो दूसरा प्लांट हमने मोनोकॉट का ले लिया। दोनों प्लांट के सेक्शन को काट के, दोनों को माउंटिंग करके, दोनों का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं और दोनों को पैरेलल ऑब्जर्व कर रहे हैं। पैरेलल ऑब्जर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चंस मेडिकल में आते हैं तो क्वेश्चंस में डिफरेंसेस पूछा जाता है कई बार। तो हम लोग जब भी इसको स्टडी करते हैं हमेशा पैरेलल स्टडी करते हैं, साथ साथ रखते हैं, ताकि अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ क्वेश्चन आ जाए, बेसिक डिफरेंसेस पूछा जाए, तो हम इसके आंसर को बिल्कुल अच्छी तरह बता पाएं। और दूसरी बात यह है कि जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, फिर इसको कहना है कि जब भी आप लोग ये वीडियो देखो अपनी कॉपी में इन दोनों डायग्राम को, कल मैंने बताया था कि वो जो डायग्राम था डायकॉट के स्टेम का उसकी प्रैक्टिस करो, फिर आज मैं कह रहा हूँ कि ये रूट के डायग्राम का भी प्रैक्टिस कर लो, है ना, रूट के डायग्राम का भी प्रैक्टिस कर लो। और फिर इसके बाद वाले क्लास में मैं बताऊंगा लीफ के बारे में, तो लीफ के डायग्राम का भी प्रैक्टिस करना। मतलब ये छह डायग्राम, डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डायकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, अगर बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ये डायग्राम समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया, तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायग्राम बेस्ड होंगे। और जिनको डायग्राम नहीं याद होगा, जो डायग्राम नहीं समझ पाए होंगे, वो एनाटॉमी रटने का प्रयास करेंगे और रटेंगे तो गलतियां होंगी, ये बिल्कुल तय बात है। रटी हुई चीज़ों में ही गलतियाँ होती हैं क्योंकि क्वेश्चंस रटे हुए चीज़ों पर सीधा सीधा नहीं देता है, क्वेश्चंस जब भी देता है वो ट्विस्ट करके देता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक डायकॉट के रूट और एक मोनोकॉट के रूट को हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू किए। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर पे पहुंचे, बहुत ट्रेडिशनल, आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग किस नाम से जानते थे, हम लोग कहा करते थे एपीडर्मिस, क्या करते थे हम लोग, एपीडर्मिस। लेकिन अब हम लोग रूट के एपीडर्मिस को एक नए नाम से जानते हैं और वो नाम है एपीब्लेमा। क्या नाम बताया हमने, रिपीट करो, एपीब्लेमा। इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है राइजोडर्मिस। क्या नाम बताया हमने, राइजोडर्मिस। इसका तीसरा नाम भी लिखते हैं, इसका तीसरा नाम है पीलीफेरस लेयर। तो देखो हमने कितना नाम बताया अब तक, तीन नाम बताया इसके रूट के आउटर मोस्ट पोर्शन का। तो रूट के आउटर मोस्ट पोर्शन को हम लोग क्यों तीन नाम, क्यों अलग नाम दिए, जरा इसका भी कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिस समय रूट बन रहा था उस समय ज्यादातर केस में रूट में एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं कि ये नाम ऐसा क्यों दिया गया। बाहर वाले लेयर को डर्मेटोजेन कहते थे, डर्मेटोजेन पूरी तरह से रूट कैप बनाने में एग्जॉस्ट हो जाता है। नॉर्मली डर्मेटोजेन एक स्टेम में एपिडर्मिस बनाता है, हमको याद है डर मतलब स्किन, हमने बताया था ना, डर मतलब स्किन और जेन मतलब टू जनरेट। एम्ब्रियोनिक लेयर का डर्मेटोजेन स्किन ऑफ द प्लांट बनाता है स्टेम में, इसीलिए उसको हम लोग आउटर मोस्ट लेयर का नाम दिए, तो टर्म यूज करते थे एपी मतलब एबव डर्म मतलब स्किन। लेकिन रूट के केस में बहुत यूनिक बात होती है और वो ये बात है कि डर्मेटोजेन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और उसकी जगह पे पेरिब्लेम का आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, पोर्शन होता है,
वो आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्किन बना देता है। मतलब स्किन का ओरिजिन रूट में और स्टेम में डिफर कर गया। रूट में वो डर्मेटोजेन से बन रहा था और स्टेम में वो डर्मेटोजेन से बन रहा था, जबकि रूट में ये पेरिब्लेम का आउटर मोस्ट लेयर ही बना दिया स्किन। इसीलिए इसके ओरिजिन को देखें तो ओरिजिन में डिफरेंस हो गया, हमने नाम डिफर रखना शुरू किया। रीजन समझ में आ गया? रीजन हमने क्या बताया कि नॉर्मली एम्ब्रियो में तीन लेयर होते हैं, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लेरोम। डर्मेटोजेन नॉर्मली डिवाइड करता है और स्किन बनाता है और स्किन को एपिडर्मिस कहते हैं। पेरिब्लेम ग्राउंड टिश्यू बनाता है और प्लेरोम वैस्कुलर टिश्यू बनाता है। लेकिन रूट के केस में ये डर्मेटोजेन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है ना, और रूट कैप के बनाने में, और अब पेरिब्लेम का आउटर मोस्ट लेयर ही आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट के रूट का आउटर मोस्ट लेयर बना देता है। मतलब ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफर कर गया, इसीलिए इसके नाम में भी डिफरेंस बताया गया और ये डिफरेंट नाम दिया गया एपिब्लेमा, दूसरा नाम दिया गया राइजोडर्मिस, तीसरा नाम दिया गया पीलीफेरस लेयर, और एक नाम बताते हैं बच्चों इसका, इसका चौथा नाम है एक्सोडर्मिस। तो हम लोग इसको बहुत से नाम से जान रहे हैं। क्या क्या नाम हो गया? पहला नाम क्या बताए? एपिब्लेमा। दूसरा नाम क्या बताए? राइजोडर्मिस। तीसरा नाम क्या बताए? पीलीफेरस लेयर। और चौथा नाम हो गया एक्सोडर्मिस। अब ये चारों नाम को तुम्हारे टिप पे होना चाहिए। ज्यों ही हम ये कहें कि द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ रूट इज, योर आंसर शुड बी एपिब्लेमा और पीलीफेरस लेयर और एक्सोडर्मिस और राइजोडर्मिस। ये चारों नाम को बच्चों फिर से प्रोनाउंस करो और दो तीन बार रिपीट करो। क्या क्या मैंने कहा? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज टर्न एज एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस, पीलीफेरस लेयर एंड एक्सोडर्मिस। इनमें से कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है और ये चारों एक ही चीज का नाम है। अब हम लोग आते हैं एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस के बारे में। सबसे पहले ये यूजुअली एक ही लेयर का बना हुआ है, सिंगल लेयर्ड। ये कैसा है? चारों तरफ देखो ये एक ही लेयर का बना हुआ है, सिंगल लेयर टिश्यू है। जब हम लोग स्टेम के एपिडर्मिस की बात कर रहे थे तो कहते थे कि स्टेम का एपिडर्मिस लाइट से प्रोटेक्शन के लिए या हीट से प्रोटेक्शन के लिए एक वैक्सी लेयर का कोटिंग किया था जिसको क्यूटीन कहते थे और अब उसको क्यूटिकल कहते थे। लेकिन चूंकि रूट मिट्टी के नीचे ग्रो कर रहा है, मिट्टी के नीचे लाइट नहीं पहुंचेगा, इसीलिए इसको किसी वैक्सी लेयर की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? क्यूटिकल्स आर एब्सेंट। और नॉर्मली एपिडर्मिस ऑफ लीफ में स्टोमाटा मिलता था तो कहते थे एपिडर्मिस इज ए कंटिन्यूअस लेयर एक्सेप्ट स्टोमाटा। तो स्टोमाटा भी मिलता था एपिडर्मिस में ही। यहां हम लोग कहेंगे रूट के एपिडर्मिस में, जिसको हम लोग नाम दिए एपिब्लेमा, जिसका नाम दिए राइजोडर्मिस, जिसका नाम दिए पीलीफेरस लेयर और जिसका नाम दिए एक्सोडर्मिस, यहां स्टोमाटा भी नहीं मिलेगा। तो दो इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखा। क्या क्या सीखा बताओ? क्या नहीं मिला बताओ जरा सा। तो मैंने कहा क्यूटिकल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये तुम बताओ, ये रटने की बात नहीं है, क्यों नहीं मिला? तो क्या आंसर दोगे? इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि क्यूटिकल क्या है? एक तरह का सनस्क्रीन लोशन है और प्लांट का ये पोर्शन सन को फेस ही नहीं करता है, ये हमेशा अंधेरे में रहता है, मिट्टी के नीचे रहता है जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए इसको किसी सनस्क्रीन लोशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्यूटिकल्स आर एब्सेंट। और स्टोमाटा जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता हो, है ना, और जहां से ट्रांसपिरेशन होता है, वो लीफ के सरफेस पे ज्यादा मिलता है। फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसकी भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसीलिए स्टोमाटा भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
तो एपी ब्लेमा के बारे में अब तक हम लोग 3 पॉइंट जान गए. क्या क्या जाने? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताएं? दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग क्या है? दे डू नॉट कंटेन क्यूटिकल एज वेल एज स्टोमाटा. इसमें क्यूटिकल और स्टोमाटा नहीं मिल रहा है. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस किए? एपिब्लेमा के बॉडी से यूनिसेलुलर और ट्यूबुलर हेयर दिख रहा है, चारों तरफ निकला हुआ. कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये हेयर दिख रहा है जिसको रूट हेयर का नाम दिए. क्या नाम दिए इसको? रूट हेयर का नाम दिए. रूट हेयर कैसा है? रूट हेयर सिंगल सेल का बना हुआ है. टर्म यूज करेंगे यूनिसेलुलर. कौन सा टर्म यूज किए? यूनिसेलुलर. दूसरी बात, ये देखने में कैसा है? तो कहेंगे ये ट्यूब के शेप में है, ट्यूब्यूलर. तो रूट हेयर और कहां से निकला? तो क्या देख रहे हैं? दे आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ एपिब्लेमा. ये जो एपिब्लेमा है ना, इसी का सरफेस एरिया बढ़ गया है. ये यूं यूं निकलता जा रहा है, मतलब एपिब्लेमा का सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है. कैसे? इसके बॉडी से क्या निकल रहा है? इसके बॉडी से रूट हेयर डिराइव हो रहा है. रूट हेयर कैसा है? एक ही सेल का बना हुआ. द टर्म इज यूनिसेलुलर. देन द टर्म इज ट्यूब्यूलर. व्हाई? बिकॉज दे आर इन द शेप ऑफ ए ट्यूब. ये ट्यूब के शेप में है. तो दो बातें हम लोग, तो हम लोग एपिब्लेमा के बारे में अब कितने पॉइंट्स को जान गए, जरा सा फिर से रिकॉल करते हैं. पहला पॉइंट, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट. सेकेंड पॉइंट, दे आर यूजुअली सिंगल लेयर्ड, एक ही लेयर का बना हुआ है. थर्ड, दे डू नॉट कंटेन क्यूटिकल और स्टोमाटा. इसमें क्यूटिकल और स्टोमाटा नहीं मिल रहा है. दे शो ग्रोथ और आउटग्रोथ, और आउटग्रोथ का नाम क्या है? रूट हेयर. और फाइनली, द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू एब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज मिनरल सॉल्ट. ये पानी और मिनरल सॉल्ट को मट्टी से, सॉइल से एब्सॉर्ब कर रहा है. इसके फंक्शन के बारे में हम लोग जान गए. तो पहली बात हम लोग जाने कि रूट हेयर क्या काम कर रहा था, है ना? तो ये पूरा पार्ट किसका पार्ट हुआ? ये पूरा पार्ट हम लोग पढ़े एपिब्लेमा, या इसका नाम बताए राइजोडर्मिस, या इसका नाम बताए पीलीफेरस लेयर, और इसका नाम बताए एक्सोडर्मिस. ये चार नामों से इसको जानते हैं, है ना? अब इस पे एक हम लोग छोटी सी कहानी बताते हैं. कहानी ये कि ये नाम कैसे याद रहे रूट के एपिडर्मिस में, मतलब रूट का जन्म हुआ. तो जन्म होते ही हम लोगों के घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग एक नाम रखते हैं. अब देखो, जब बच्चों का नाम रखा जाता है तो कितना विरोधाभास होता है, कितनी तरह की बातें होती हैं. जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के पापा मम्मी दादा दादी को खबर कर दिए, नाना नानी को खबर कर दिए. शाम होते होते दादा दादी, नाना नानी, चाचा वाचा, जितने लोग आसपास थे सबको ही पहुंच गए. और आते ही पहला काम क्या हुआ? बच्चे को देखे और जिसके मन में जो नाम आया वो देना शुरू किए. जैसे सबसे पहले तो घर पे दादी पहुंच गई, है ना? और दादी पहुंचते ही एक काला टीका लगा दी. किसको? बच्चे को. और क्या बोली? उसके ऊपर, है ना, उसके सर के ऊपर में एक काला टीका लगाई और बोली, मेरे बच्चे को नजर नहीं लगे. और हम लोगों ने क्या कहा? अब हमने कहा कि हमारे बच्चे को ब्लेम नहीं लगे. नजर को हम लोगों ने शब्द को चेंज किया और क्या कहा? ब्लेम नहीं लगे. ये बच्चे का नाम दिया जा रहा था और हमने इसका नाम रखा ऊपर में, है ना, सर के ऊपर ये काला टीका लगाया गया और कहा गया बच्चे को नजर नहीं लगे. तो ब्लेम नहीं लगे, हमने इसका नाम रख दिया एपिब्लेमा. क्या नाम रखा? ये बच्चे का जन्म हुआ, रूट का जन्म हुआ, रूट का नाम दिया जा रहा. अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं, है ना? तो पहला नाम क्या दिया गया? एपिब्लेमा. ये नाम दादी दी है, नहीं, मेरे बच्चे को ऐसे लगाई, नजर नहीं लगे, और नाम दे दिया गया एपिब्लेमा. और ज्यों ही दादाजी पहुंचे, ये तो दादी पहुंची ना, दादाजी पहुंचे, दादाजी ने कहा, अरे ये तो बच्चे को अभी से मूछें हल्की हल्की दिख रही हैं, ये बच्चे को हल्की हल्की मूछें दिख रही हैं. राइजो मतलब होता है हेयरी स्ट्रक्चर और डर्म मतलब होता है स्किन. इसके स्किन से
अभी छोटी छोटी मूछें अभी ही दिख रही हैं, इसका नाम रखो राइजोडर्मिस। दादाजी ने क्या कहा, इसका क्या नाम रखो, राइजो। राइजा मतलब होता है हेयरी स्ट्रक्चर और डर्म मतलब होता है स्किन। ये बच्चे के छोटी छोटी मूछें अभी से दिखाई दे रही हैं, नाम क्या रख दी। अब तक तब नाना और नानी भी पहुंच गए, है ना, नाना और नानी भी पहुंच गए। नानी देखते ही बोले, अरे मेरे बेटे का रंग तो बिल्कुल पीला है, इसका नाम पीली रख दो। क्या रख दो, इसका नाम पीली रख दो। नाना जी गुस्सा गए, बोले नहीं नहीं मेरे बेटे का रंग तो आयरन की तरह, फेरस की तरह लाल है, इसका नाम फेरस रख दो। दा नाना नानी के झगड़े को देखते हुए इसका नाम रख दिया गया पीली फेरस। दोनों नाम दे दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया, देखो ये कहानी बहुत मजेदार है, तुमको नाम याद रखना है। और नाम याद रखने के लिए छोटी छोटी कहानियां, है ना, छोटे छोटे टिप्स कैसे नाम याद रखा जाए। तो हमने क्या कहा, नानी ने कहा कि मेरे बच्चे का रंग बिल्कुल पीला है, है ना, इसका नाम पीली रख दो। नाना ने कहा, अरे ये बच्चे का रंग तो बिल्कुल लाल है, फेरस की तरह, आयरन की तरह लाल दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम कैसा रखो, फेरस रखो। दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए नाम क्या रखा गया, पीली फेरस लेयर। तो अब तक हम लोगों ने कितना नाम रखा, तीन नाम रखा। चूंकि ये स्किन के बाहर का पोर्शन था, इसीलिए इसका और एक नाम रखा गया, एक्सो मतलब आउटसाइड, डर मतलब स्किन। क्या नाम रखा गया इसका, एक्सो मतलब आउटसाइड और डर मतलब स्किन। हमने इसका नाम रखा एक्सोडर्मिस। क्या नाम रखा हमने इसका, एक्सोडर्मिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कशन किया, पहला पॉइंट जो हमने डिस्कशन किया वो था आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहेंगे। रूट के आउटर मोस्ट लेयर का ओरिजिन, नॉर्मली हमने क्या कहा कि नॉर्मली एम्ब्रियोनिक लेयर का डर्मेटोजेन डिवाइड करता है और एक मैच्योर प्लांट में स्टेम के एपिडर्मिस को बनाता है, लेकिन रूट के केस में डर्मेटोजेन रूट कैप बनाने में पूरी तरह से और कैलिप्ट्रोजेन बनाने में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। इसीलिए अब रूट का बाहर वाला लेयर पेरिब्लेम के आउटर मोस्ट लेयर से बनता है, इसीलिए इसका ओरिजिन थोड़ा डिफर कर गया। इसीलिए इसका नाम भी एपिडर्मिस नहीं रख के नाम रखना शुरू किए एपिब्लेमा। हमने क्या नाम बताया, रूट के बाहर वाले टिश्यू का नाम बताया, और हमने कहा कि चूंकि इसका ओरिजिन थोड़ा डिफर करता है, हमने इसका नाम भी डिफर रखा और कहा एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस और पीलीफेरस लेयर और एक्सोडर्मिस। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में, हम लोग क्या क्या जाने, ये सिंगल लेयर्ड है, इसके बॉडी से आउटग्रोथ निकल रहा है, इस आउटग्रोथ को रूट हेयर के नाम से जानते हैं, ये सिंगल सेल का बना हुआ है, और हम यूं कह सकते हैं कि अपने बॉडी के सरफेस एरिया को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर इट हैड एक्सटेंडेड द सरफेस एरिया, ये अपने बॉडी के सरफेस एरिया को बढ़ाया। और सरफेस एरिया को क्यों बढ़ाया, क्योंकि इसको मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करना था। और जब वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हम लोग हमेशा बोलेंगे कि रूट बिस्लेरी का पानी पीता है ना, रूल रूट रेल नीर मतलब ये मिनरल वाटर पीता है। तो रूट हेयर का यहाँ पे फंक्शन था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्ट। तो ये पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, रूट के आउटर मोस्ट लेयर की बात किए। अब हम लोग आते हैं रूट के सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं। जो ही हम लोग अंदर आए, नॉर्मली सेकेंड लेयर को सभी जगह पे हाइपोडर्मिस कहते हैं ना, हाइपो मतलब बिलो, डर्म मतलब स्किन। लेकिन ये लिखते हैं और बड़ा बड़ा काट देते हैं, मतलब रूट में ये टर्म यूज नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है बेटा, क्या बता रहे थे कि रूट में हाइपोडर्मल सेल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जहां पे हाइपोडर्मल शेप मिल रहा था वो या तो कोलेन कायमा का था या स्क्लेन कायमा का था। और कहां कहां हम लोग पढ़े थे, इसके पहले हम लोग स्टेम, नॉर्मली हम लोगों ने स्टेम को इसलिए पहले पढ़ा ताकि ये शब्द हमको पहले से क्लियर रहे। हाइपोडर्मल सेल डाइकॉट के स्टेम में कोलेन कायमा का बना हुआ था और मोनोकॉट के स्टेम में ये स्क्लेन कायमा का बना हुआ था। लेकिन यहां पे ये पूरा जो एक्सटेंशन दिख रहा है ये पूरा कॉर्टिकल सेल है, पूरा का पूरा क्या है,
कॉर्टिकल सेल है, कॉर्टेक्स है, और ये पूरा का पूरा जो कॉर्टिकल सेल या कॉर्टेक्स है ये एक ही तरह के टिश्यू का बना हुआ जिसका नाम है पेरेनकाइमा। तो यहाँ पे कोई हाइपोडर्मल सेल नहीं है, यहाँ पे कोई स्किनकाइमेटस सेल नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसको भी रटने की जरूरत नहीं, समझो। हमने क्या कहा, रूट मिट्टी के नीचे है, ऑलरेडी स्टेबल है ना, इसको कोई स्टेबिलिटी, मिट्टी के नीचे है, मिट्टी से दबा हुआ है ना, तो अब इसको कोई अनस्टेबिलिटी है नहीं, ये स्टेबल हो चुका है। स्टेम ऊपर में हवा में हिल रहा है, ये अनस्टेबल हो सकता है, ये वीक हो सकता है, लेकिन रूट जो है वो तो पूरी तरह से मिट्टी के नीचे है, सॉयल इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे किसी सपोर्टिव टिश्यू की जरूरत नहीं है, उसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसीलिए हाइपोडर्मल सेल जो होता था, जब हम लोग नाम बताए थे, वो कोलेनकाइमा का जिसके कॉर्नर्स में थिकनिंग होती थी, और उसका काम क्या होता था, उसका काम होता था टू सपोर्ट, इसको ऐसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मोनोकॉट के स्टेम में हम लोग क्या कह रहे थे, मोनोकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मल सेल स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ था, किसका बना हुआ था, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ था। स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन के डिपोजिशन के चलते, हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर हो या स्टोन सेल हो, वो डेड हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। तो दोनों ही केस में सपोर्ट इज वॉज द फंक्शन, यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए हाइपोडर्मल सेल नहीं मिलेगा। नॉर्मली बच्चों क्या है ना, हम लोग एनाटॉमी रटते हैं, मॉर्फोलॉजी रटते हैं ना, रटने की बात तो भूल जाना है, समझने की कोशिश करना है। तो क्यों नहीं मिला हाइपोडर्मल सेल, ये समझ में आ गया, हाइपोडर्मल सेल नहीं मिला क्योंकि इसको ऐसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मिट्टी के नीचे है, मिट्टी से दबा हुआ है, मिट्टी ही इसको सपोर्ट करने का काम कर रही है। ये दो बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं, तब कॉर्टेक्स कितना है, तो कहते हैं कॉर्टेक्स ए लार्ज लेयर, ये बहुत लंबा बड़ा सा एरिया दिखा रहे हैं कॉर्टेक्स का, ए लार्ज एरिया ऑफ कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, एक लार्ज एरिया है कॉर्टेक्स का, बड़ा एरिया है कॉर्टेक्स का, और कॉर्टेक्स के इस एरिया में जो सेल है वो कैसा है, वो पेरेनकाइमेटस सेल्स है, कैसा सेल्स है, पेरेनकाइमेटस सेल्स है, बहुत मजेदार बात है। पेरेनकाइमा की प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़े हैं, पेरेनकाइमा आर लिविंग सेल्स, बिल्कुल उन्हीं सारी प्रॉपर्टी को यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, दे आर लिविंग सेल्स, और पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन बताए थे टू स्टोर फूड मटेरियल, यहां भी पेरेनकाइमा क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा। लेकिन इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो क्या बोलेंगे, देयर आर मल्टी लेयर्ड, कॉर्टेक्स कैसा होगा, बहुत से लेयर का बना हुआ है, इनके सेल्स आपस में लूजली अरेंज्ड है, देखो एक के बाद एक रख दिए हैं, सेल को प्लेस किए हैं, इसका मतलब है दो दो सेल्स के बीच में स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस दिख रहा है, तो कहेंगे दे आर लूजली अरेंज्ड, दे कंटेन इंटर सेल, कॉर्टेक्स के बारे में ये पॉइंट्स हम लोग लिख रहे थे, लूजली अरेंज्ड। दूसरी बात क्या बताए, इनके बीच में स्पेस मिल रहा है, चूंकि दो सेल के बीच के में स्पेस है इसलिए नाम रखे इंटर, मतलब इन बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, सेल के बीच में, सेलुलर, और क्या मिला, स्पेस। तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर का कॉर्टेक्स बना हुआ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, हम लोग क्या नाम दिए, फ्यू लेयर्ड लूजली अरेंज्ड सेल्स। अब ये इसलिए लूजली अरेंज्ड है क्योंकि नॉर्मली रूट का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, क्या काम है रूट का, पानी को कैरी करना। अब पानी कहां से कहां कैरी हो रहा है, पानी कैरी हो रहा है, अब इसको तुम फिर ऐसे करो, इस डायग्राम को ऐसे रखते हैं सामने, और ये सोचो ये प्लांट था, तो ये जो दिखा रहे हैं ना, ये रूट हेयर हो गया, तो रूट हेयर बहुत बॉडी से बाहर निकला हुआ है और ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब रूट हेयर पानी एब्जॉर्ब किया, और इस पानी को डॉट लाइन से दिखा देते हैं कहीं पे, ये पानी जो आया, ये पानी फाइनली क्या करेगा, जहां से भी पानी आया फाइनली ये पानी को अंदर आना है, और कहां जाना है, ये जाइलम के पास, जाइलम में प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है। इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट है ऐसे, सोचो इसको उठाओ और ऐसे रख दिए, तो जाइलम यहां बीच में है, ये जाइलम हो गया। अब जो जाइलम दिख रहा है ना, ये जाइलम है, तो ये सब जाइलम हो गया, इस डायग्राम को यूं प्लेस कर रहे हैं, तो ये जाइलम है,
जाइलम एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट से स्टेम होते हुए लीफ में और ब्रांच में जा रहा था. तो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर तक पानी को पहुंचना था, तो वाटर लेकिन एब्जॉर्ब कौन किया? वाटर एब्जॉर्ब तो किया रूट हेयर. रूट हेयर से पानी पहले पहुंचा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, जिसका नाम रखे अभी हम लोग रूट में एक्सोडर्मिस. अब वाटर यहां से पहुंच गया है कॉर्टिकल सेल में. चूंकि इसके बीच में बहुत इंटरसेलुलर स्पेस है, इसीलिए पानी फ्रीली मूव कर रहा है. अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बिल्कुल यह कॉम्पैक्ट होता, तो क्या होता? पानी के मूवमेंट में रुकावट आती ना. इसीलिए दे आर कंसिस्टिंग ऑफ लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स. देखो बहुत टेक्निकल चीजें हैं. हम लोग कहते हैं कि हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया और बहुत सी चीजों को देख रहे हैं. अब ये सोचो अपने आप में प्लांट एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, कितने चीजों को कितनी कन्वीनियंटली अरेंज कर रहा है. इसको पता है पानी कहाँ से जाना है और यहाँ से यहाँ पानी आने के लिए सिस्टम कैसा बनाना है, है ना. हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं और इसमें रैम डालते हैं ना, हार्ड डिस्क डालते हैं. ये देखो ये नेचर का सिस्टम है, ये नेचर का अपना सिस्टम है. इसको पता है पानी जाना है तो बीच में स्पेस चाहिए. इसीलिए कॉर्टिकल सेल या जनरल कॉर्टेक्स के सेल्स में अरेंजमेंट कैसा कर दिया? लूजली अरेंज कर दिया, ताकि इसमें काफी इंटरसेलुलर स्पेस मिले और उन्हीं इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर क्या होगा? फ्रीली मूव कर रहा होगा. कोई भी रेसिस्टेंट पानी को नहीं फेस करना पड़ रहा था. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ना. इसका मतलब ये जो कॉर्टिकल सेल था बेसिकली ये थीन वॉल्ड था. कैसा था? पेरेन्काइमेटस था, नेचुरली थीन वॉल्ड होगा. हमने पेरेन्काइमा की प्रॉपर्टी पढ़ी है और पेरेन्काइमा के बारे में हम जानते हैं कि पेरेन्काइमा आर थीन वॉल्ड. तो कॉर्टेक्स के बारे में हम लोग क्या क्या पॉइंट जाने? देखो ये दोनों पॉइंट हम लोग कॉमन चल रहे हैं, एक डायकॉट हो या मोनोकॉट रूट हो. सिर्फ दो बेसिक डिफरेंस आता है और उस दो बेसिक डिफरेंस के साथ ही हमारा डायकॉट और मोनोकॉट दोनों रूट खत्म हो जाएगा. अभी हम लोग एकदम जनरल सारे कैरेक्टर को पैरेलली डिस्कस करते चल रहे हैं. तो सबसे पहले हमने डिस्कशन क्या किया है? सबसे पहला डिस्कशन हमारा हुआ आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम क्या रखे हम लोग? एपिडर्मिस रखे. एपिडर्मिस लेकिन नॉर्मली रखते थे, लेकिन रूट में चूंकि इसका ओरिजिन थोड़ा डिफर कर गया, हमने इस आउटर मोस्ट लेयर का नाम बदल दिया और क्या रखा? एपिब्लेमा या पीलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस और या एक्सोडर्मिस. ये चार नामों से हम लोग जानते हैं. सेकंड पॉइंट के बारे में क्या बताएं? एपिडर्मल टिश्यू ये सिंगल लेयर्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है. तीसरी बात क्या बताएं? एपिडर्मल टिश्यू से यूनिसेलुलर और ट्यूबुलर, ट्यूब के समान हेयरी एक्सटेंशन दिख रहा है, जिसको नाम दिया गया रूट हेयर. क्या नाम दिया गया इसका? रूट हेयर. रूट हेयर क्यों यूनिसेलुलर है? क्योंकि इसको वाटर एब्जॉर्ब करके अंदर लाना है. अगर ये मल्टी सेलुलर होता तो पानी के पैसेज में, रास्ते में रुकावट हो जाती. इसीलिए रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर. ये समझ में आ गई बात? रूट हेयर क्यों यूनिसेलुलर है? क्यों? क्योंकि इसको वाटर कंडक्शन करना है. वाटर जो ये सॉइल से अब्सॉर्ब किया, अब इसके आने में, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. फिर हम लोग आ गए कॉर्टेक्स के बारे में. तो कॉर्टेक्स के बारे में हम लोगों ने पहले एक शब्द का प्रयोग किया कि यहाँ पे हाइपोडर्मल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं. कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स आर एब्सेंट. क्यों एब्सेंट है? इसको टेक्निकली हमने सिखाया, हमने बताया रूट ऑलरेडी सॉइल के नीचे है, सॉइल से इसको सपोर्ट मिल रहा है और हाइपोडर्मल सेल या तो कोलेनकाइमा का बना होता है या स्क्लेनकाइमा का बना होता है. डाइकॉट के स्टेम में हमने देखा ये कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, जबकि मोनोकॉट के केस में हमने देखा कि ये स्क्लेनकाइमा का बना हुआ है. जब ये सपोर्टिव टिश्यू था और रूट को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये मिट्टी से सपोर्ट पा रहा है, इसीलिए ये दोनों ही हाइपोडर्मल सेल ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा. समझ में आ गई बच्चों? अब हम लोग फिर आगे चलते हैं. जो ही हम लोग अंदर की तरफ आए, देयर इज अ लार्ज सेल, ग्रुप ऑफ सेल. इस लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स लेयर्ड का नाम रखा गया कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स की जब बात करनी शुरू की हम लोग, तो कहे कॉर्टेक्स एक्सटेंड फ्रॉम
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यहां से एंड रीचेज अप टू द एंडोडर्मल सेल। ये पूरा लेयर जनरल कॉर्टेक्स कहला रहा था। क्या कहला रहा था? ये जनरल कॉर्टेक्स के नाम से जान रहे थे। इस जनरल कॉर्टेक्स की प्रॉपर्टी क्या बताए? ये एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, ये कई लेयर का बना हुआ दिख रहा है, ये कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर, बहुत से लेयर्स दिख रहे हैं इसमें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा? दे आर मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल, ये लूजली अरेंज सेल्स का बना हुआ दिख रहा है। चौथा क्या देख रहे हैं? इनके बीच में क्लियर कट स्पेस दिख रहा है, और वो स्पेस क्यों बना? क्योंकि वाटर को इसके थ्रू आना था, सो देयर इज नो रेसिस्टेंट, है ना, टू वाटर, और ये थिन वॉल्ड है, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए ये लूजली अरेंज्ड सेल्स था। अब हम लोग आते हैं, तो यहां से हम लोग डिस्कशन शुरू किए। मोनोकॉट में भी पहले बाहर वाले लेयर को क्या नाम देंगे? एक्सोडर्मिस, एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस और पीलीफेरस लेयर। दूसरी बात आते हैं, फिर हम लोग यहां भी डाइकॉट की तरह सेकेंड लेयर हाइपोडर्मल सेल नहीं रहता है, बल्कि एक कॉर्टेक्स का लेयर होगा। कॉर्टेक्स के इस बड़े से लेयर को जनरल कॉर्टेक्स का नाम दिए। डाइकॉट की तरह ये भी मल्टी लेयर्ड था, डाइकॉट की तरह ये भी लूजली अरेंज सेल्स था, डाइकॉट के रूट की तरह इसके भी वॉल थीन थे, थीन वॉल थे, और इंटर सेलुलर स्पेस क्लियर कट दिख रहा था, जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन हो रहा था, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर था, देर वॉज नो रेसिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। अब हम लोग आते हैं कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर पे, बहुत सा क्वेश्चन आया हुआ है। कॉर्टेक्स के अंदर वाले लेयर का नाम है, ये जो दिखा रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, ये डायग्राम एंडोडर्मल सेल है, है ना, क्या नाम रखें इसका हम लोग? एंडोडर्मल सेल। एंडोडर्मल सेल का ये डायग्राम दिखा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कल वाले क्लास में डिस्कस किया था कि जब एंडोडर्मल सेल रूट का बहुत ही वेल डेवलप होता है, तो या तो डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, ये पोर्शन कैसा है? बहुत ही डेवलप है। अब इसके बारे में हम लोगों को ये मिनिमम, ये जो हम लोग पॉइंट्स लिखे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पॉइंट्स हमको बिल्कुल याद रहना चाहिए, और याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन दोनों ही केस में, चाहे डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, दोनों ही केस में, या तो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों ही केस में एंडोडर्मल सेल वेल एस्टैब्लिश दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एंडोडर्मल सेल वेल डिफरेंशिएटेड हो चुका है और काफी प्रोमिनेंट है। स्टेम से अगर कंपेयर करें डाइकॉट के, तो कहेंगे ए वेल एस्टैब्लिश्ड एंडोडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ रूट। या तो ये डाइकॉट का रूट हो या ये मोनोकॉट का रूट हो, दोनों ही रूट में ये वेल डेवलप हो चुका है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। एंडोडर्मल सेल में सबसे पहला पॉइंट, ये कैसा होता है? शेप देखें, ये बैरल शेप्ड है, है ना? शेप कैसा है इसका? बैरल शेप। बैरल हम लोग किसको कहते हैं? बंदूक की जो गोली जिस नली से निकलती है ना, उसको कहते हैं बैरल। तो देखने में तो ये बंदूक की गोली जिस नली से निकलती है ऐसा होता है, लेकिन इनसाइड वो ऐसे बना रहता है, ताकि जब बंदूक की गोली निकले ऐसे करके, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे एम कर पाए। हम लोग देखते हैं बंदूक की गोली जब एम करते हैं ना, तो बंदूक को थोड़ा टारगेट से ऊपर करते हैं, क्योंकि जो गोली निकलेगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन में निकलेगी, और वो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में निकलेगी क्योंकि बैरल का शेप कैसा होता है? बीच में मोटा, इनिशियल और अपर पॉइंट पे ये थोड़ा सा कर्वेचर लिया रहता है, इस शेप को कहते हैं बैरल शेप। तो बैरल शेप क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा? एंडोडर्मल सेल के सेल्स जो होते हैं ना, एंडोडर्मल सेल जो है उसके जो एक एक इंडिविजुअल सेल्स हैं वो कैसे होंगे? तो पहली प्रॉपर्टी होगी दे आर बैरल शेप्ड सेल्स। ये पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम लोग आज एंडोडर्मल सेल्स के 8 प्रॉपर्टी को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, रिकॉल करेंगे, ये बार बार देखेंगे, बार बार डायग्राम बनाएंगे, कोशिश करेंगे एक भी पॉइंट ना छूटे, क्योंकि इनमें से लगातार क्वेश्चंस मेडिकल में आए हुए हैं, है ना, और
तुम एम्स की बात कर लो, तुम बीएचयू की बात कर लो, अब जैसे अब तो नीट हो गया, लेकिन पहले एम्स अलग होता था और हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे एम्स की बात किया करते थे। हम लोग जब मेडिकल की बात करते थे तो एम्स की बात करते थे, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे एम्स सबसे अच्छा बेहतरीन मेडिकल कॉलेज माना जाता था। उसके बाद के लेवल पे हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात किया करते थे, एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे की बात करते थे, डीपीएमटी दिल्ली प्री मेडिकल कॉलेज की बात किया करते थे। लेकिन पहला टारगेट आज भी बच्चों का एम्स ही होता है, और जिस लेवल पे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसमें एम्स के आए हुए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किए होंगे। तुम्हारे पास अगर एम्स एक्सप्लोरर होगा, तुम उसमें से सारे क्वेश्चंस को देखते चले जाओ, है ना। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ताकि कहीं भी हमसे ये मिस्टेक ना हो, गलतियां ना हो। क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ट्रेडिशनल स्टडी बिल्कुल नहीं है। इसको हम लोग ट्रेडिशनल स्टडी में रटवाने की कोशिश करते हैं, है ना। स्कूल्स के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे ज़्यादातर जगह पे इसको रटाया जाता है कि नहीं, ये रटने वाली चीज़ है, ये याद कर लो, डायकॉट में ये होता है, मोनोकॉट में ये होता है, ये चीज़ों देख लो। हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डायकॉट में अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के साथ में हम लोगों का डिस्कशन जारी है। तो हम लोगों ने क्या कहा, एंडोडर्मल सेल की बात की। एंडोडर्मल सेल कैसा होगा, शेप बताओ। वेरी गुड, क्या बताया, बैरल शेप। अभी अभी हमने बैरल का मतलब बताया, तो पहली प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम हो गई, ये बैरल शेप्ड सेल है। अब जरा डायग्राम को ठीक से देखो तो लगेगा, एक के बाद ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इन दोनों के बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं है। मतलब ये आपस में कैसे फिटेड है, दे आर क्लोजली फिटेड, बिल्कुल इस तरह से फिट हो गया, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एंडोडर्मल सेल। लेकिन एंडोडर्मल सेल किस सेल का पार्ट था, किस सेल का पार्ट था, तो हम लोग कहते हैं ये इसी का इनर मोस्ट सेल है। इसका कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट सेल का नाम रखे हैं एंडोडर्मिस। ये नाम देखो, क्या हम लोग बोले, इनर मतलब अंदर का, मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये भी क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, एंडोडर्मिस इज, तो ऑप्शन था इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिसाइकिल, है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ स्टीली। तो ये सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन रहता है तुम्हारे पास, जो ऑप्शन होगा। हमने क्या कहा, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये कॉर्टेक्स का लेयर दिखा रहे हैं, कॉर्टेक्स के इस लेयर का अंदर का पोर्शन है, मतलब ये इनर मोस्ट सबसे लास्ट लेयर है कॉर्टेक्स का। क्या है ये, सबसे लास्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, इसीलिए हम लोग कहते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। अभी अभी हमने क्या बताया कि सेल्स ऑफ किसके, एंडोडर्मल सेल कैसे फिटेड थे, क्लोजली फिटेड थे। जब ये क्लोजली फिटेड होंगे तो क्या इनके बीच में स्पेस दिखाई देगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा, नो सर, बिल्कुल सही, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये हम लोग का पॉइंट क्या हो गया, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में क्या नहीं मिल रहा है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिल रहा है।